मैं संभावना को क्या समझा के गया था, बिल्कुल उसका उल्टा गया है। मैंने उसको अच्छी अच्छी चीजें समझाई थी कि भाई तुम बुक पढ़ना, तुम एक्सरसाइज करना टाइम पे, और मैंने आके देखा उसने क्या किया, उसने मेरे पिछवाड़े कर लिए बहुत सारी शॉपिंग। वो तो सबसे पहले बेडरूम का लॉक मैंने खोला तो मैंने देखा बेड पे ये पड़ा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और आज मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओगे कि मैं कितने बजे उठी हूँ। आज गलती से 8 बजे उठ गई है, गलती। मैं एक्सरसाइज करने गया था, मैं ऊपर आया तो मुझे नहाई धोई एकदम तैयार मिली है, और आज क्योंकि जल्दी उठ गई ना तो कुछ ज्यादा ही नेता बन रही है। अरे वो काम हुआ कि नहीं, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, पोछा, ओहो अच्छा डस्टिंग, ओके ओके ये पर्दे क्यों गंदे हैं। अरे ये सब रोज होता है घर में, जब तुम नहीं उठती हो तब भी कुछ नहीं होता। और आज इसने बाथरूम के ड्रॉर्स में इतना पानी भरा है इसने, और मैं सोचती हूँ कि लीकेज है क्या है, इतना ड्रॉर्स में, वैसे सामान भी खराब हुआ और ड्रॉर्स में ही पानी भर गया। तो मैंने देखा तो कहीं से तो लीकेज नहीं थी, मैंने सारा सामान तो इधर को कर दिया, ये देखो इधर करा है सारा सामान सूखने के लिए, लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि ये सर ने ही किया है, ये इन्हीं की गलती थी। पता नहीं क्या चीज वो वॉश बेसन में डाल के, और वॉश बेसन चलता रहा और ये नहाता रहा और पानी ड्रॉर में भरता रहा, और इससे मुझे ये बात बताई भी नहीं है क्योंकि मुझे लगा मैंने सबूत मिटा दिए, लेकिन फिर भी कुछ सबूत बच रहे। सबूत नहीं भाई, पूरा इतना ड्रॉर में पानी था, ड्रॉर खराब, अभी ड्रॉर भी खराब होंगे, फिक्र मत करो तुम। आया बड़ा, और जो सबसे डेंजरस काम इस घर में हुआ है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, कल से छींक रही है और जुकाम है, बुखार है, कल से तो अलग रखा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये बिल्कुल ही सुन नहीं रही है। बिना मास्क के घर में घूम रही है, हम मास्क पहन के घूम रहे हैं और ये बिना मास्क के घूम रही है, ये बिल्कुल ही नहीं सुनती है यार। अभी जाएंगे हम लोग डॉक्टर से भी इनकी दवाई लेके आएंगे, आई होप कि सब नॉर्मल ही हो, क्योंकि नॉर्मल इनको जुकाम रहता है लेकिन अभी नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर जुकाम वाले के पास बैठ गई तो मुझे यूं पकड़ता है, एंड शी इज जस्ट नॉट लिसनिंग। आप देखो मेरा मास्क, ये रहा, मैं मास्क पहन के घूम रही हूँ घर में। कह भी रहे हैं कि आप ना छुट्टी ले लो, आप 2-3 दिन की छुट्टी लो और आप रह के आ जाओ, वो भी नहीं सुन रही है, उस बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमें। तो मुझे लगता है हम 2-3 दिन की छुट्टी लेके यहाँ से चले जाते हैं। चित्तू चलो, चित्तू का खाना देखते हैं, खाना मिला कि नहीं। तो जी क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा रहे हैं, और वहाँ से आते हुए दीदी की दवाइयाँ भी लेके आनी है डॉक्टर से पूछ के, तो आप लोग को हम लोग मिलते हैं बाहर ही ब्रेकफास्ट। मैं बता दूँ ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाना नहीं, इनको जाना है बाहर ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि अभी तुम बनाओगी तुम 1 घंटा लगा दोगी बनाने में। ओ सर मैं बना देती हूँ फटाफट। नहीं नहीं मुझे खाना ही, देखा देखा ये बोलो ना, जैसे इसको पता चला ना कि हम बाहर जा रहे हैं, रुक गई, खाना नहीं खा रही, चल मिले बाबू खाने का ले तोला चा। चले देखो, या तो फिर नहीं जाते हैं या तो फिर अभी जल्दी लेट करके जाने का मतलब नहीं। तो मेरे पीछे पड़ जाते हो, मैंने क्या किया यार, वो देखो ना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जरा खाना खा ले, मेरे से नहीं खाएगी ना बोलने से वो। जी डिसाइड ये हुआ है, प्लान ये था कि पहले मेरी वाली जगह पे जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर संभावना की जगह पे जाएंगे कॉफी पियेंगे, लेकिन प्लान चौपट हो गया, सीधा संभावना की जगह पे ही जा रहे हैं क्योंकि फाइनल कॉल तो आपका ही होता है। तुम्हें वहाँ पे खाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, झूठी झूठी बातें करो मत, ठीक है। मैं तो वैसे भी कुछ खाना नहीं चाहती हूँ। दीदी को ब्रेकफास्ट दे दिया था? हाँ दे दिया था। दवाई दे दी? दवाई भी दे दी, जो मॉर्निंग की थी वो तो दे दी है, बाकी डॉक्टर से बात करती हूँ। ये चेक टायर्स क्यों आता जा रहा है प्रेशर भरवाने के बाद भी, चेक टायर आ रहा है। वो कह रहे हैं आपने गाड़ी तो खरीद ली लेकिन टायर्स का चेक नहीं दिया अभी तक, टायर के पैसे बाकी। रात को मेरे मुंह में जबरदस्ती ब्राउनी किसने घुसाई है? बड़ी मीठी मीठी नींद आई है उसके बाद, पता है? मैंने भी खाई थी, तुम्हारे मम्मी भी डाली थी मैंने, तुम सो रहे थे नहीं। और तुम मेरे पास ऐसे डरावने तरीके से क्यों आती हो मेरे सामने, और जैसे मैं आँख खोलता हूँ मेरे मुंह के सामने ब्राउनी रख देती हो? नहीं नहीं मैंने उठाना नहीं चाह रही थी, मैं तुम सोते रहो मैं ब्राउनी खिला देती हूँ, लेकिन तुम उठ गए हो, तुम डर गए। तो ऐसे कोई मुंह पे ब्राउनी लेकर खड़ा रहेगा तो आदमी डरेगा नहीं रात में 1:30 बजे? कैसे लाई थी मैं, ऐसे बंदा सो रहा है ना उसके ऊपर, ऐसे तो मैंने किया ही नहीं, अंधेरे में तुम्हें ये दिख रहा था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके खड़ी हूँ? हाँ।
हो गया। हाँ मेरा कुकड़ा कितना सुंदर सुंदर हो गया एकदम, देखो चलो आ जाएगा। तो अविनाश तो जा रहा है अपने काम के लिए, ये शाम को आएगा, हो सकता है मैं आपको बाहर लेकर चलूँ। गई तुम गाइड हो गया बाहर लेकर चलूँ, मुझे थोड़ा काम है थोड़ा बाहर। गाली दिए कुत्ते का बाल, लेकिन मेरा अपना ही निकला, तो मैं आपको हो सकता है बाहर मिलूँ, लेकिन अभी तक पक्का नहीं है। पर मैं आऊंगा आप सीधा रात को, तो बाय कर दे ब्लॉग। नहीं ब्लॉग नहीं। अच्छा तुम तो हो ना? मैं हूँ, मैं तो रहूंगी। चलो बाय। कुत्ता इतना कुतरा, इतना भाग क्यों रहा है, पता नहीं कोको को क्या हुआ, इतना भाग रहा है। बाय बेबी। बिजी रहना, बिजी ठीक है, बुक पढ़ना, फिर एक्सरसाइज करना। पैसे रख दो। पैसे किस चीज के लिए? बिजी रहूंगी ना। पैसे दे दो। हे दुबे पैसा दे। अरे क्या कही, अरे 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 घोड़ा आया घर में। कोको क्या हुआ तेरे को, है क्या हो गया तेरे को, घर में भाग क्यों रहा है तू इधर से उधर, है ये खुशी खुशी से भाग क्यों रहा है इतना? देखो जी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और डॉक्टर ने बोला है कि फिलहाल के लिए एक डोलो देनी है इनको और देनी है सिट्रिजन, बिकॉज इनको छींके मींके जो आ रही है इतना देख के, एंड प्लस जिंकोबिट और सेलिन देनी है साथ में। तो ये सारी चांस की बात है कि दवाइयाँ घर में है भी है, ये तो गायब है, तो पत्ता ही खाली है। अरे कहाँ गई सिट्रिजन, तो थी घर पे, नहीं मिल गई। दीदी इधर आओ, ये लेनी है, ये लेनी है, वो मेरी जो दोपहर की दवाई देती हूँ ना मुझे, दो वो दो, और सबसे पहले ये खाओ, पानी लाओ, इधर ही लाओ मेरे सामने खाओगी आप, इनको सिर्फ रख दो तो फिर रखी रह जाएंगी दवाइयाँ। पानी लाओ, पहले ये खाओ, अभी एक बार में खा जाओ सारी, ठीक है। अविनाश तो घर पे है नहीं, तो इस चीज़ का मैं पूरा फायदा उठा के शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड को मिलूंगी और रास्ते में अगर मुझे कुछ मिल गई चीज़ें तो मैं खरीद के जाऊंगी और आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। जा रही हूँ मैं सिर्फ सुशील सुंदर टिकाऊ शॉपिंग करने, कुछ में भी सम टी शर्ट। फाइनली हम लोग मिल गए, ज्यादा हद नहीं करेंगे एक दूसरे को। करोना है सीधा शॉपिंग करेंगे। चलो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलो लेट्स गो। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं लोखंडवाला मार्केट में हूँ इस समय, कोई भी भलती शॉपिंग करूंगी मैं, मुझे पता है। और मैंने इसको बिल्कुल टाइम पास के लिए बुलाया, एक भी टाइम पास करना था मुझे भी करना था, काम करने को है नहीं। थोड़ा बहुत सामान मैंने खरीदा, अभी घर पहुँचती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, इधर जरा मुश्किल है, निकल गई हूँ मैं घर के लिए। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, लाइक आधे घंटे का टाइम है, तो मैं वॉकिंग डेड देख रही हूँ और अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, एंड उसके बाद आई गेट रेडी और मैं अपनी क्लास के लिए निकल जाऊँ। और मीनवाइल ये पता नहीं मेरे को चिट्टू बिट्टू कहाँ देख रहा था मेरा, गिरगिट्टू सब कुछ खोया वो गिरगिट्टू ने। गेंदी गंजा, ये एक पुच्चू इधर, एक इधर। तो दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और मैं घर पे आ गया हूँ और मैंने चेंज वेंज भी कर लिया, आज का दिन बहुत ही बिजी था और बहुत सर्राटे से निकल गया। और मैं संभावना को क्या समझा के गया था, बिल्कुल उसका उल्टा गया है। मैंने उसको अच्छी अच्छी चीजें समझाई थी कि भाई तुम बुक पढ़ना, तुम एक्सरसाइज करना टाइम पे, और मैंने आके देखा उसने क्या किया, उसने मेरे पिछवाड़े कर लिए बहुत सारी शॉपिंग। उसने जैसे देखा मैं घर पे नहीं हूँ, और जबकि मैं उसको उसकी एक्सरसाइज से पिकअप भी करके आया हूँ, लेकिन उसने मुझे कोई चीज नहीं बताई। जब मैं घर में घुसा हूँ, वो तो सबसे पहले बेडरूम का लॉक मैंने खोला तो मैंने देखा बेड पे ये पड़ा हुआ, ये देखो, और उसके ठीक पीछे ये इंसान छुप रहा है। अरे तो मैं छुप के नहीं किया, मैंने तो बताया था तुम्हें। बेबी तुमने कब बताया मुझे? मैंने तुम्हें बोला तुम बुक पढ़ना एक्सरसाइज करने जाना, और तुम मेरे निकलते ही सबसे पहले तुम लोखंड वाला गई हो। देखो कितनी सारी है, देखो कैसी है। नहीं ये तो ठीक है, ये खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अब ये डेंजरस लग रहा है कि क्यों मुझसे छुप के क्यों कपड़ा खरीदती हो। छुप के नहीं खरीदी, तुम थे ही नहीं ना, तुम बताया था, देखो ना ऐसे था, मतलब यही हुआ ना कि मेरे से छुप के। सुने नाइट सूट नहीं दिख रहा, नाइट सूट नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? टी शर्ट लिए, या तो मेरी आंखें खराब हो गई हैं। ये देख लो, ये इतनी सारी टी शर्ट आई है इतनी देर में, इतनी सारी टी शर्ट। अरे क्या हुआ है भाई, पता नहीं क्यों रो रही है। मैं आप लोगों को ना टी शर्ट दिखा देती हूँ अपनी जो मैं लेके आई हूँ। क्या क्या लिखा है इस पे? अरे पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ लिखा है, बिल्कुल तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से। लेट्स स्टे इन बेड होल वीकेंड। हाँ
ये इतना गंदा क्यों रो रही है बीच बीच में? और ये लाई हूँ समर वाइब्स, मैं क्या बताऊँ कैसी है, क्या ही बताऊँ। मैं तुम्हें दिखा रही हूँ दोस्तों, आप भी बताना कि कैसी है टी शर्ट, ये सामने से ऐसी है पीछे से ऐसी। आई एम बैक, ये है सिंपल, ठीक है, फिर एक ये है ऐसे आगे से ऐसी है और पीछे से ज़िप है। ये तो बच्चों की टी शर्ट है, आएगी तुम्हें? हाँ नहीं, ये वो ऊपर वाली पैंट के साथ पहनी होती है। अच्छा, हाई वेस्ट और एक ये है। लग तो सारी अच्छी रही है लेकिन बेबी इतनी सस्ती सस्ती टी शर्ट है, पता है समरी। अच्छा, बाकी हर चीज के लिए तुम्हें इतना मोटिवेशन चाहिए होता है, इतना पुश चाहिए होता है, इसके लिए अकेले तुमने कहाँ से मोटिवेशन जुगाड़ लिया? और तुम चली भी गई। ये कैसी है? अच्छी है बेबी, तुमने अभी तक बोला नहीं है दिल से किसी भी टी शर्ट को कि कोई अच्छी है। आप लोग बताना आपको कौन सी वाली अच्छी लगी। नहीं, जब मैं तुम्हें इतना ज्ञान दे रहा था, पहले मेरी टी शर्ट देख लो प्लीज। ऐसी तो है तुम्हारे पास 3600। जब मैं तुम्हें इतना ज्ञान दे रहा था उस वक्त तुमने एक बार भी मुझे भनक नहीं लगने दी, एक बार भी बोला भी नहीं कि मैं शायद जरा उस तरफ जाऊंगी। तुमने बस ये सोचा ये लड़का निकले फटाफट, मुझे गुड्डी गुड्डी बाय बाय गुड नाइट चाचा किसी पिस्सी करके भेज दिया। अरे ये है ऐसी 3600 टी शर्ट है तुम्हारे पास, कुछ नया नहीं है इसमें। 3600 मेरे पास टी शर्ट है बस। तो ये टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो जी, शगुन के 11 कपड़े हो गए, दान दे दो। चलो, कहाँ छुपा रही हो मेरे से? बेबी तुमने तो बोला था सारा सामान तुम ठीक से लगाओगी, खाली मुझे डांट पड़ाने के लिए सामान निकाला था। ये अब मैं सुबह लगाऊंगी ना, वो ड्रॉर तो सूख जाए। और आज का दिन तो कपड़े खरीदने में चला गया, तो कैसे लगता है ना? ये बोलो काम किया जैसे, अब ऐसे तो याद नहीं आता ना ऐसे काम। मैं बताता हूँ, वॉकिंग डेड देखा है? बहुत दर्द कर रहे हैं। क्या एक्सरसाइज? तीनों आ गए अंदर? नहीं, दो दिख रहे हैं। नींद में थी क्या? इसको लगा मैं यहाँ कैसे आ गई, पटकते ही एक्सप्रेशन इसका ये था। नहीं, गंदी लड़कियाँ एकदम बहुत ज्यादा खेली है मुझसे। पंखा चलाओ या एसी चलाओ, एसी से मेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो जी, ये आदमी अब मुझे कराएगा मेडिटेशन, तो मैं जा रही हूँ मेडिटेशन के लिए। आपको मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब कमेंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। मैं भी पीठ दिखा के ब्लॉगिंग करूंगा आज। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट।